ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जो ये उपचुनाव में हम दो सीटों पे कामयाब हुए हैं, उसमें मैं पार्टी के वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत की, जिसकी वजह से हमारी ये उपचुनाव में हमारी जीत हमने हासिल की है। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इस पे जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहाँ पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स को बधाई देते हैं कि आपने इन जीतों को, इन सीटों को जिताया। सबसे बड़ा श्रेय हमारे श्री राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने संपर्क किया, अपने जज्बातों को उनको जानने का उनको मौका मिला और उसी तरह से आज उसका रुझान हमारे सामने है। हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि हमने उपचुनाव जो एक इससे पहले हुए और ये उपचुनाव जो आए उसमें भी कांग्रेस की जो विजय हुई है, उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार ने 14 महीने में जो काम किया है उसके लिए सरकार को भी श्रेय जाता है। हमने जो जो मैनिफेस्टो में बातें की है उन मैनिफेस्टो पर भी हमने 4-5 बातें पूरी करके लोगों को दी है, चाहे वो आपकी OPS का मामला हो, चाहे वो 1500 महिलाओं को देने की बात हो, चाहे दूध के रेट कम करने की बात हो, और इसी तरह से हम बाकी जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम समय रहते उसको अवश्य पूरा करेंगे। अभी तो 3.5 साल का समय हमारे पास है, हम उन वायदों को भी पूरा करके लोगों को अवश्य देंगे। आप जानते हैं इसमें कुछ विलंब इसलिए हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बरसात में बहुत बड़ी बाढ़ आई उसमें हमारा ध्यान उस वक्त लोगों के साथ था और लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए 4.5 हज़ार करोड़ सरकार ने जो धनराशि दी है उस धनराशि को देकर लोगों ने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिला है कि लोगों ने कांग्रेस के कामों को देखा है, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है उसका रिजल्ट आज हमारे सामने। इसलिए मैं सभी जितने भी हमारे पार्टी वर्कर्स हैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सब ने पुरजोर उसमें मेहनत की है और उसका अंजाम आज हमारे सामने है।